हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय अगर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन में कोई है तो वह बेसिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक, क्योंकि इतने क्वेश्चनायर हैं, इतने प्रश्न हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। प्रत्येक अध्यापक का जो मस्तिष्क है वो प्रश्नों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 माइंड ग्लोइंग क्वेश्चंस और उनके आंसर। आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न लाया हूँ इनका जो आंसर है, आप मुझसे कहेंगे कि आप इसका लिखित आधार बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रॉपर चैनल बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि परियोजना कार्यालय के माध्यम से सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। वहाँ से SRG, SRG से ARP और ARP से शिक्षक संकुल। तो दोस्तों, मैं अध्यापक होने के साथ साथ शिक्षक संकुल भी हूँ, इसलिए मुझे जो ऑथेंटिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन चीज़ों का लिखित आधार नहीं है, आज नहीं है तो कल उनका लिखित आधार भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ प्रश्न लेकर आया हूँ कि प्रेरणा तालिका कब से भरेंगे, क्या शिक्षण योजना नहीं बनानी है, जूनियर की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी, 31 मार्च को क्या करना है, क्या बच्चों को प्रगति पत्र वितरण किया जाएगा, 1 अप्रैल को क्या करना है, कक्षा 5 के वह बच्चे जो 1 अप्रैल को प्रमोट होकर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे उनका क्या, कक्षा 1 के 9 प्रवेशी बच्चों को कहाँ बैठाएंगे, क्या 48 दिवसीय कार्य योजना में शिक्षक डायरी भरी जाएगी, क्या कक्षा 1 और कक्षा 2 की सम्मिलित कक्षाएं चलेंगी। तो दोस्तों, निश्चित रूप से यह प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा। आइए हम आपको एक एक प्रश्नों का सटीक जवाब देते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस। पहले प्रश्न का जवाब, प्रेरणा तालिका कब से भरेंगे। दोस्तों, प्रेरणा तालिका 1 अगस्त 2021 से भरेंगे। प्रेरणा तालिका में नाम, अभी आपने प्रेरणा तालिका को दीवार पर चस्पा कर दिया होगा। प्रेरणा तालिका में आप जो है चाहे तो बच्चों का नाम भर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सीधी सी बात है कि जो बच्चे अभी आपके पास हैं ये 1 अप्रैल से अगली कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे, तो आप जो है प्रेरणा तालिका में बच्चों का नाम 1 अप्रैल को भर दीजिएगा। जब बच्चों का प्रमोशन हो जाएगा तो आप प्रेरणा तालिका में बच्चों का नाम आप भर दीजिएगा, लेकिन एंड लाइन आकलन 48 दिवसीय कार्य योजना 1 अप्रैल से जुलाई तक जो चलेगी, उसमें जब एंड लाइन आकलन करेंगे, एंड लाइन आकलन करने के बाद फिर आप जो है प्रेरणा तालिका को भरेंगे, और प्रेरणा तालिका को भरने के बाद फिर आगे आप जो है कार्य करेंगे। कैसे कार्य करेंगे, प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं के अनुसार, और अगले 3 माह पर फिर बच्चों का आकलन करते हुए प्रेरणा तालिका भरेंगे, फिर अगले 3 माह बाद बच्चों का आकलन करते हुए प्रेरणा तालिका भरेंगे। इस तरह से आपको प्रेरणा तालिका भरना है 1 अगस्त से, लेकिन बच्चों का नाम प्रेरणा तालिका में आप 1 अप्रैल को एंट्री कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या शिक्षण योजना नहीं बनानी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के जवाब में आप जानिए कि 1 अगस्त से, पहली बात तो आप, मैं बात करता हूँ, ये जो आपका समृद्ध मॉड्यूल है, यानी 1 अप्रैल से जुलाई तक, 1 अप्रैल से जुलाई तक के लिए भाषा और गणित, भाषा की जो शिक्षण योजना है वो समृद्ध मॉड्यूल में दी गई है 1 से लेकर कक्षा 5 तक, और गणित की जो शिक्षण योजना है कक्षा 1 से लेकर 3 तक आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दी गई है, लेकिन आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का जो उपयोग करना है वो हमें आगे करना है। तो यहाँ पर भाषा एवं गणित का कैसे जो है बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये सारी बातें आपको जो है दी गई हैं किसमें, समृद्ध मॉड्यूल में। तो 48 दिन की जो कार्य योजना है कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित की, उसमें आपको समृद्ध मॉड्यूल के तहत कार्य करना है। आपको कोई भी शिक्षण योजना बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अन्य विषयों के लिए, गणित और भाषा को छोड़ दीजिए,
तो अन्य विषयों के लिए आपको शिक्षण योजना बनानी है। अब मैं बात करूंगा प्रेरणा यूपी.इन। दोस्तों प्रेरणा यूपी.इन सरकारी वेबसाइट है जिस पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बहुत सारे विषयों की शिक्षण योजनाएं मौजूद हैं। एक एक विषय की 500, 2000 शिक्षण योजनाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों आप प्रेरणा यूपी.इन पर जा करके जो बाकी विषय आपके हैं, जैसे आपका हमारा परिवेश हो गया, जैसे आपका अंग्रेजी हो गया, जैसे आपका संस्कृत हो गया, इन विषयों की शिक्षण योजनाएं आप प्रेरणा यूपी.इन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर प्रेरणा यूपी.इन पर जो विषय की शिक्षण योजना नहीं है, उन विषयों की शिक्षण योजना आप बनाएंगे, लेकिन शिक्षण योजना कब से बनानी है आपको, शिक्षण योजना ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल से आपको जो है समृद्ध मॉड्यूल के तहत 48 दिवसीय कार्य करना है। 48 दिवस के बीच जाने के बाद अर्थात 1 अगस्त से आपको शिक्षण योजना पर कार्य करना है। अब हम बात करेंगे जूनियर कक्षाओं के लिए। तो दोस्तों जूनियर कक्षाओं में जो शिक्षण योजनाएं हैं वो प्रेरणा पर नहीं है, प्रेरणा साइट पर नहीं है, तो जूनियर कक्षाओं की शिक्षण योजनाएं बनानी होंगी। और उन शिक्षण योजनाओं पर कार्य कब से करेंगे, 1 अगस्त से कार्य करेंगे। अभी आगे जो अगला प्रश्न है, अब मैं इसके बारे में बात करता हूं, जूनियर की कक्षाएं कैसे संचालित होंगी। दोस्तों आप जानते हैं कि जूनियर के बारे में दिशा निर्देश नहीं आता है। उसका कारण क्या है कि जूनियर की कक्षाओं के लिए बहुत कुछ हमें नहीं करना है। मार्च के महीने में आपको क्या करना है दोस्तों, मार्च के महीने में आप जानते हैं कि किसी भी कक्षा का एक बच्चा जो होगा सप्ताह में एक बार आएगा, तो पूरे मार्च महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार आएगा। तो मार्च के महीने में दोस्तों आपको जो है उस बच्चे का बेसलाइन आकलन कर लेना है। ध्यानाकर्षण शिविर लगाने हेतु बच्चे का बेसलाइन आकलन करना है मार्च के महीने में। जूनियर के सभी अध्यापक प्रायः इस बात पर ध्यान दें कि मार्च के माह में आपको बच्चे का बेसलाइन आकलन करना है। फिर बात आती है 1 अप्रैल को। अब दोस्तों यहाँ पर बेसलाइन आकलन कक्षा 8 के बच्चों का करने की कोई मीनिंग नहीं निकलती है, क्योंकि कक्षा 8 का जो बच्चा है वो 4 दिन आपके विद्यालय आएगा, उसके बाद प्रमोट होकर के अगली कक्षा में जाएगा और आपका विद्यालय छोड़ देगा। आपको काम करना है कक्षा 6 और कक्षा 7 के बच्चों का। कक्षा 6 और 7 के बच्चों का बेसलाइन आकलन कर लीजिए। बेसलाइन आकलन करने के बाद 1 अप्रैल से आपको ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करना है। ध्यानाकर्षण शिविर के हिसाब से जो आपने बेसलाइन आकलन किया, बेसलाइन आकलन के आधार पर आपने ग्रुप बना लिया होगा। अगर कक्षा 6 का बच्चा है तो क्या उसके पास 5 तक की दक्षताएं मौजूद हैं? अगर कक्षा 7 का बच्चा है तो क्या उसके पास 6 तक की दक्षताएं मौजूद हैं? अगर कक्षा 8 का बच्चा है तो क्या उसके पास 7 तक की दक्षताएं मौजूद हैं? अगर नहीं मौजूद हैं तो बच्चों का जो है आप समूह बना लेंगे, जैसा कि ध्यानाकर्षण शिविर में बताया गया है। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक जो है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आप ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे। और ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कैसे करेंगे इसके बारे में अच्छे से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपको समझाया गया है। और ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान किस तरह की शिक्षण योजना आपको बनानी है, जो बच्चा जिस स्तर में है, जिस कक्षा स्तर का के अनुरूप है, उसी के अनुसार उसको शिक्षण योजना और गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य करना है। लेकिन जो प्रॉपर कक्षाएं हैं दोस्तों, कक्षा वाइज जो आपको शिक्षण योजना बनानी है वो आपको 1 अगस्त से बनानी है। यानी सामान्य कक्षाएं 1 अगस्त से संचालित होंगी। जो आपका किताब है, किताब के जो पाठ हैं, विषय हैं, उन वो सभी जो है जो प्रॉपर रूप से चलना है 1 अगस्त से चलेगा, ठीक है। तो जुलाई तक, 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक आपको ध्यानाकर्षण शिविर चलाना है। और ध्यानाकर्षण शिविर की जो शिक्षण योजनाएं हैं वो आपकी किताब पर निर्भर नहीं होंगी, वो इस स्तर पर निर्भर होंगी कि आपका बच्चा किस समूह में है और किस कक्षा के अनुरूप उसके पास दक्षताएं मौजूद हैं। और जिस कक्षा के अनुरूप उसके पास दक्षताएं मौजूद नहीं है, उसी के आधार पर शिक्षण योजना बनाएंगे ताकि बच्चे को जो है दक्षता उसके अंदर आ सके। अगर कक्षा 6 का बच्चा है तो उसके अंदर कक्षा 5 तक की सारी दक्षताएं विद्यमान होनी चाहिए।
क्या बच्चों को प्रगति पत्र वितरण किया जाएगा? हाँ दोस्तों, बच्चों को प्रगति पत्र वितरण किया जाएगा। बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों को असेसमेंट करेंगे और आकलन करने के बाद प्रगति पत्र बनाएंगे। और 1 अप्रैल को क्या करना है दोस्तों, जैसे अभी तक 1 अप्रैल को आप क्या करते थे, 1 अप्रैल को नया सेशन प्रारंभ होगा और सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे और रजिस्टर में जो कक्षा का रजिस्टर है उसमें बच्चों को इनरोल करेंगे, बच्चों का नामांकन करेंगे, नए बच्चों को प्रवेश देंगे। लेकिन 1 अप्रैल से 48 दिवसीय कार्य योजना प्रारंभ हो रही है, इसलिए बच्चे का नामांकन अगली कक्षा में प्रमोशन तो करना है, लेकिन जुलाई तक बच्चा अपनी पिछली कक्षा में ही बैठ करके अध्ययन करेगा, पिछली कक्षा में ही ध्यानाकर्षण शिविर या समृद्ध मॉड्यूल के तहत बच्चे को शिक्षण कार्य कराना है। 1 अगस्त को बच्चा अपनी अगली कक्षा में चला जाएगा। आपने पंजिकाओं में तो बच्चे को प्रमोट कर दिया है, लेकिन अभी उसका एक्चुअल प्रमोशन नहीं माना जाएगा जब तक कि वो 48 दिवसीय कार्य योजना में प्रतिभाग नहीं कर लेगा। ठीक है, तो 48 दिवसीय कार्य योजना के बाद 1 अगस्त को बच्चे को आप अगली कक्षा के अनुरूप शिक्षण कार्य कराएंगे और 1 अगस्त को जो है आप शिक्षण योजना के आधार पर, ठीक है, उसको सामान्य कक्षाओं का आयोजन करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के वह बच्चे जो 1 अप्रैल को प्रमोट होकर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे उनका क्या? दोस्तों, कक्षा 5 का बच्चा 1 अप्रैल को प्रमोट होने के बाद अगर वह आपके ही विद्यालय में है, अर्थात जूनियर स्कूल आपके ही कैंपस में है, तो वह बच्चा अभी आपके साथ ही प्राइमरी में ही 3 माह के लिए बैठेगा, 48 दिन के लिए बैठेगा। ठीक है, 1 अगस्त को जो है वो जूनियर में चला जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 1 अप्रैल को आपका विद्यालय छोड़ देता है तो बच्चे को आप TC दे दीजिए और TC लेने के बाद बच्चा जिस विद्यालय में जाके नामांकन कराएगा उस विद्यालय में वह 48 दिवसीय कार्य योजना में प्रतिभाग करेगा, क्योंकि सरकारी नियम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सभी विद्यालयों के लिए है। इसी प्रकार से आपके विद्यालय में अगर कोई कक्षा 5 पास होकर के आता है, कक्षा 6 में 1 अप्रैल को नामांकन लेता है, तो आप अभी नामांकन तो कर लेंगे लेकिन आप उसे बैठाएंगे कहाँ? आप उसे कक्षा 5 में ही बैठाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त के पहले तक वह कक्षा 5 में बैठ करके ही 48 दिवसीय कार्य योजना का अध्ययन करेगा। कक्षा 1 के 9 प्रवेशी बच्चों को कहाँ बैठाएंगे? दोस्तों, कक्षा 1 का 9 प्रवेशी बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कक्षा 1 का पुराना प्रवेशी बच्चा, तो उस बच्चे को भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठाएंगे जो आपके विद्यालय में कक्षा 1 में इस समय वर्तमान में बच्चे हैं वो, और जो 1 अप्रैल को 9 प्रवेशी होंगे, इन सारे बच्चों को एक साथ ही बैठा करके समृद्ध मॉड्यूल के तहत कार्य करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या 48 दिवसीय कार्य योजना में शिक्षक डायरी भरी जाएगी? नहीं दोस्तों, 48 दिवसीय कार्य योजना में शिक्षक डायरी नहीं भरी जाएगी। शिक्षक डायरी तब भरेंगे जब हम सामान्य कक्षाओं का शिक्षण करेंगे, अर्थात प्रेरणा सूची की दक्षताओं के आधार पर जब हम शिक्षण योजना बनाएंगे, शिक्षण योजना पर काम करेंगे, तभी हम शिक्षक डायरी भी भरेंगे, अर्थात शिक्षक डायरी 1 अगस्त से भरी जाएगी। अगला प्रश्न, क्या कक्षा 1 और कक्षा 2 की सम्मिलित कक्षाएं चलेंगी? तो दोस्तों, इसके लिए समृद्ध मॉड्यूल का पालन करेंगे। समृद्ध मॉड्यूल के तहत गणित की कक्षा 1 और कक्षा 2 की सम्मिलित कक्षा चलेगी, लेकिन भाषा के मामले में कक्षा 1 अलग चलेगा और कक्षा 2 और 3 को मिला के 2 स्तर बनेंगे। ठीक है, स्तर 1 अलग, स्तर 2 अलग चलेगा। कक्षा 4 और 5 को मिलाकर 2 स्तर बनेंगे, स्तर 1 और स्तर 2, स्तर 1 अलग और स्तर 2 अलग। कहने का मतलब भाषा के लिए कुल मिला के आपकी 5 कक्षाएं चलेंगी। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर से संतुष्ट हो गए होंगे और आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आप फिर से कहेंगे कि आप इसका रिटर्न फॉर्म दिखाइए, तो दोस्तों, रिटर्न फॉर्म समय समय पर आता रहता है, आप तो नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने उस पर ध्यान दिया है। जो हो गया, जो हो रहा है और जो होने वाला है, ये सारी बातें इसी प्रॉपर चैनल से पता चलती हैं, SRG ARP 2 शिक्षक संकुल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।